आज हम 9th क्लास की मैथ्स का अध्याय 13 इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आयतन की प्रश्नावली 13.2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 आप लोग करिए अपने मन से, बहुत आसान है, बन जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर ब्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है ना। टंकी का सेप कैसा होगा, बेलन का सेप ऐसा, और ये दोनों तरफ से बंद रहेगी। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, है ना। तो अपन सबसे पहले तो इसके चादर के लिए हाइट और इसकी त्रिज्या की जरूरत होगी, है ना। तो माना बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या आर मीटर एवं ऊंचाई एच मीटर है ना। तो यहाँ पे आर बराबर कितना दिया है, ये 140/2 ब्यास का आधा त्रिज्या होता है 70 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 70/100 यानी कि 0.7 मीटर, और हाइट तो दिया ही अपनी 1 मीटर, है ना। तो ये बेलनाकार टंकी को बनाने में प्रयुक्त चादर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेलनाकार टंकी को बनाने में प्रयुक्त चादर, ये देखो, ये जैसे बेलनाकार टंकी है ये पूरी बंद है, तो इसमें ये चादर एक तो ये लगेगी और ये दोनों सिरों की लगेगी, यानी कि ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो इसका फॉर्मूला तो अपन को आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, 2πr r + h। बस ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 × इन क्वेश्चन में अपन को केवल ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, है ना। यदि अपन को इसका बेस पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से आया, इसमें क्या क्या लग रहा है, तो अपन आसानी से फॉर्मूले का सही उपयोग कर लेंगे, 0.7 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.1 और ये हो जाएगा अपना 4.4 × 1.7, तो ये कितना आ गया अपना 7.48 मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद इसकी एक और मेथड है, ये है इसकी सेंटीमीटर वाली, बता दे रहे हैं हम आपको। जैसे यदि आपको चेंज करना भूल गए हैं सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये भी लगा सकते हैं। ये यहाँ से शुरू होगी केवल, ये जैसे है ना आर है, आर है जैसे 70 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर ही रखना है। तो फिर अपन एच को भी जैसे 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2πr r + h। अब यहाँ अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 22/7 × r, यहाँ 70 सेंटीमीटर ले लेंगे, और यहाँ पे भी आर 70 + h हो जाएगा 100। कई लोगों से दशमलव का भाग करते नहीं बनता, उनके लिए मेथड बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा 10, ये 22 × 44 440, और ये गुणा 170, तो कितने हो जाएंगे 7.4800, है ना। अब ये आया अपना सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको अपन को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। अपन ये तो नहीं बोलेंगे दुकानदार के पास जाके कि हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर चादर दे दो, मीटर में मांगेंगे ना, क्योंकि ये मीटर में आसानी से नप जाएगी। तो इसको लिखेंगे अपन 7.4800/100 × 100। दो बार 100 क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आ गया अपना मीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, है ना। ये इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।